ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? शुभ गुरुवार। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन रहा होगा। बाबा की कृपा से सुबह हम शुक्राना करके और प्रार्थना करके घर से निकले थे। आइए अब फिर से रात हो गई है, अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं और जो दिन भर उन्होंने हमारा साथ निभाया उसके लिए शुक्राना करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। सोचने से, कहने से कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो सच्चे दिल से किसी को दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी हर बात सच्ची होती है। इसलिए आइए अपने दिन को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बाबा से बात करते हैं और दिन भर में जो भी कुछ हुआ आपके साथ वो अपने बाबा को बताओ कि देवा सारा दिन में ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, जिसने आपको बुरा कहा वो भी बताओ, आपके मुंह से जिसके लिए बुरा निकला वो भी बताओ, जो गलतियां किसी और ने की हैं वो भी बताओ, जो गलतियां आपने की हैं वो भी बताइए कि बाबा मुझसे यहाँ यहाँ पर यही गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका बच्चा हूँ, ना जाने में गलती हो गई, मैंने जानकर कुछ नहीं किया बाबा। तो बस अपने मन की जो भी बातें हैं अपने साईनाथ के साथ शेयर करके आइए एक सुख भरी नींद लेते हैं और सपनों में बाबा को बुलाते हैं। बाबा से कहना, बाबा दिन सुख से बीत गया, बहुत अच्छे से बीत गया, अब रात आई है, ये भी आपकी यादों में कट जाए और फिर से नई सुबह आए जो आपके दीदार के साथ शुरू हो। क्योंकि जो सुबह आपके दीदार से शुरू होती है बाबा, वो सुबह बहुत बेहतरीन होती है, बहुत खुशियों से भरी होती है। इसलिए सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बाबा भूलों को माफ़ कीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कह दूँ कि कभी भी अपने आप को ना ख़राब शब्दों से मत सजाया करो कि आप अपने आप को बहुत ख़राब समझ लेते हो, अरे मैं तो भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, क्योंकि भाग्यशाली कई बार कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों को बनना पड़ता है। क्योंकि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिनको जो मिलता है वो उसे ही अच्छा बना दें। ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है। और आप इतने सक्षम हो कि आप किसी भी चीज़ को अच्छा कर सकते हो, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ है आपके अंदर, क्योंकि आप साई के बच्चे हो, आप हौसला हारने वालों में से नहीं, गिरे हुए को हौसला देने वालों में से हो। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को हारने मत दो, आप हार नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे बाबा ने कभी हार नहीं मानी तो हम कैसे मान सकते हैं, है ना। आप किसी के लिए प्रेरणा बनो ताकि वो आपको देखकर सीखे, अरे वो कितने हिम्मत वाले हैं। ठीक है, हारना नहीं, हम आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं, ये परिवार आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने आप में हौसला कर लोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आज का दिन कंप्लीट करते हैं 11 वचनों के साथ। साईं सबका सहारा है, साईं सबके साथ हैं, बाबा सब पर दया करें। आइए पढ़ते हैं 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आप भी हमेशा खुश रहिए और बाबा पर विश्वास बनाकर रखिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।